प्रदेश में अभी क्या स्थिति है सड़कों की? और आप बागीपुल भी गए थे और वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है, और किस तरह से चल रहा है रजिस्ट्रेशन का काम? मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने रिकॉर्ड समय में जो क्षतिग्रस्त इलाका था बागीपुल का, वहाँ पर 5 दिन के अंदर जो है वो बेली ब्रिज बनाकर तैयार किया है। ये उनकी वचनबद्धता को दिखाता है, कर्मठ जो उनका एक सोच है उसको दर्शाता है। और जगहों पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जो जो केदस ब्रिज है, वहाँ केदस इलाका है, वहाँ पर भी ब्रिज बह गया था, उसको भी लगाने का काम पूरी मजबूती से चल रहा है और अगले 3-4 दिन के अंदर वो भी पूरी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में सड़कों का जो जंजाल है वो कई कई जगहों पे बंद हो जाता है और बीच बीच में खुल भी जाता है। कुछ सड़कें हैं, 2 दिन पहले की जो आंकड़े थे करीबन 200 थे, अभी रोज़ वो जो है बदल जाते हैं, मगर रोज़ हम इसका अपडेट भी लेते हैं शाम को कि कहाँ पे सड़कें बंद हैं। और जहाँ पर भी है वहाँ पे उनको खोलने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। मशीनें लगाई हुई हैं, पोकलेन मशीन्स लगाई हुई है, JCB मशीन्स लगाई हुई है। अभी हमने मैंने जैसे पहले भी आपको कहा था कि अभी एडिशनल हम 20 करोड़ रुपए के नए ब्रिजेस, बेली ब्रिजेस लेने जा रहे हैं और उनको अलग अलग जगहों के ऊपर डिप्यूट करना हमारा प्राथमिकता है, क्योंकि पिछले साल भी हमने इससे सीख ली थी और उसी की वजह से हमने पहले से प्रिक्योर किया हुआ था जो आज काम आए हैं। वैसे ही हम और प्रिक्योरमेंट भी करने जा रहे हैं ताकि जगह जगह पे ये जो है वो रहे डिविजन्स में, और जब भी ऐसी कोई आपदा किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने में आती है तो इमीडिएटली वहाँ पे जो है काम किया जा सके। आजकल सेब सीज़न भी बिल्कुल चरम सीमा पर है और अच्छा दाम मार्केट में बागवानों को मिल भी रहा है, तो ये भी हमारी प्राथमिकता है सरकार की कि हमारा जो माल है लोगों का, बागवानों का, वो समय के ऊपर मंडी पे पहुँचे, उसके लिए भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आपके डिपार्टमेंट को भी खासा नुकसान है, 350 करोड़ के आसपास।